नमस्कार हेलो दोस्तों यूपी बोर्ड की बहुत बड़ी खबर आ रही है यूपी बोर्ड ने पहली बार हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों को दो बार जांचने की तैयारी की है सूत्रों के अनुसार बोर्ड के मूल्यांकन की कमियां दूर नहीं होने से अब शत प्रतिशत कॉपियों की दोबारा जांच का प्रस्ताव बनाया गया है पिछले साल तक पंद्रह कॉपियों का ही आरक्षण होता था जिसमें कॉपियों के मूल्यांकन के बाद रेडैम बिना क्रम के पंद्रह कॉपियों के दूसरे शिक्षक देखते थे कि सभी प्रश्न जाँचे गए हैं सभी के नंबर चढ़ाए गए हैं नंबर जोड़ने में कमी तो नहीं रह गई आदि लेकिन यह व्यवस्था बहुत प्रभावित साबित नहीं हो रही जिसका नतीजा है कि मूल्यांकन की कमियां दूर होने का नाम नहीं ले रही कई बार देखने में आता है कि शिक्षक के कुछ प्रश्न जाँचे ही नहीं यहां कॉपी के अंदर कुछ नंबर दिया और बाहर केजिंग के कुछ और ही लिख दिया दसवीं बारहवीं छात्र छात्राओं को मिले अंक जोड़ने में भी शिक्षकों से गलती हो रही है कभी कभी देखने में आ रहा है कि अंदर कॉपी पर नंबर दिया ही नहीं और बाहर केजिंग में मनमाना नंबर चढ़ा दिया कॉपियों पर कुछ और अवार्ड शीट पर कुछ और नंबर मिल रहा है इस सब को देखते हुए बोर्ड ने नई व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है इसे बोर्ड पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटर में दो की जगह एक पेपर होने से खर्च नहीं बढ़ेगा मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे सात फरवरी को शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे नकल वही सुरक्षापूर्ण परीक्षा कराने के लिए पिछले साल भी मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस की थी तो दोस्तों यही है यूपी बोर्ड का आज का अपडेट आपकी कॉपी दोबारा जाँच की जाएगी तो नंबरिंग सही से मिलेगा चलिए तब आपसे अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें